अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिलखसूस सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर इकतदार है। निसार खोड़ो साहब फरमा रहे हैं गवर्नर आज की बातों से डरने वाले नहीं हैं। क्या वफाक सिंध हुकूमत की तवक्कात पर पूरा उतर सकेगा, जबकि थर में हर साल सैकड़ों बच्चे वबाई अमराज गजाई किल्लत से मर जाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि क्या मुस्तकिल हल हो सकता है। फासले कम होने लगे, आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की एक साथ पार्लियामेंट में आमद एक दूसरे के बारे में से भरे जो कुछ भी कहते रहे वो सब एक तरफ। शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं शरीफ बरदान के बाद जरदारी भी एनआरओ लेंगे। 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ जनाब, एक करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और बहुत सारे वादे और तब्दीली की बातें, और 75 दिन गुजर चुके हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? अब क्या इब्तदाई तौर पर 75 दिन में समत सही नज़र आ रही है या नहीं, और मईशत किस तरफ जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जिस ज़माने में मैंने आपको इंटरव्यू किया मुशीर थे वज़ीर आज़म के आप, और उस ज़माने में भी मईशत का हाल कुछ अच्छा नहीं था। आपकी हुकूमत आई थी 2008 में मोहतरमा की शहादत के बाद, और अब फिर हमने देखा कि डार साहब जब 2013 में आए तो उन्होंने भी कहा जी मईशत का बुरा हाल है। अब असद उमर साहब भी, सर हम तो जब से होश संभाला ये सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान की मईशत जनाब बड़ी डामाडोल है, बस मजबूत हाथों में आने वाली है, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अब क्या पोजीशन है? देखिए, ये हुकूमत सियासी इख्तलाफ सर अपनी जगह, लेकिन हकायक क्या है? मेरी आदत भी है कि मैं हमेशा ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट कहता रहा हूँ, क्योंकि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा अहम पहलू होता है। देखिए, इस हुकूमत को पहली चीज़ तो ये है कि हमने टाइम देना चाहिए। इस बात का ख्याल नहीं हूँ कि हम 60 दिन में उनके बारे में राय कायम करें, लेकिन जो कुछ गलतियाँ हुई हैं जो अभी से नज़र आ रही हैं, और वो ये थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी उम्मीदें लोगों की कायम कर दी थी, एक्सपेक्टेशंस लोगों का बहुत बढ़ गया था। इन्होंने बड़ा बुलंद बाला वादे कर लिए, जैसे अभी 5 लाख मकानात के ना हमारे पास ज़राए हैं, न रिसोर्सेज हैं, न ज़मीनें हैं, और न आपका प्राइवेट सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि असल बात वो ये कि सरमाया कहाँ से आएगा? उस क्रेडिट 50 लाख घर आसान नहीं है, तो ये सरमायाकारी कहाँ से आएगी, कौन करेगा इन्हें रियलिस्टिक? अगर 1 लाख का भी कहते तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सर, अयूब खान साहब से लेकर, और हमने देखा जियाउल्लाह को जुनेजर साहब के दौर में, मोहतरमा के दौर में, नवाज शरीफ, और अब ये जिन्होंने भी कहा सर कभी पूरा हुआ नहीं, और बहुत बड़ी तादाद जाहिर बयान कर दी। पहले ये होता था कि लोग मैनिफेस्टो पे भी अमल नहीं करते थे, उनके नारे होते थे और वो इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना तेज़ हो गया है कि एक एक मेरी आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ दिखाई जाएगी बात, वो मैं जब दोबारा कोई गलत बात करूँगा तो वो स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो आपकी रिपोटेशन क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होती है। तो इनकी इसी पे पहले आते हैं, क्योंकि अभी मैं इमरान खान साहब से लेकिन मैं पहले एक बात ही बता दूँ कि इन्होंने जो जॉब्स की बातें करी, और फिर बैलेंस शीट इनको पता थी ख़राब हालत में। असद उमर साहब से मेरी बहुत मुलाकातें हुई, हर बार वही कहते थे डेट जो भी बढ़ गया है, एक्सटर्नल अकाउंट में खसारा है, बजट खसारा है, तिजारती खसारा है, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, हमारा रुपये 134 पे जाके पहुंच गया, ये तमाम चीज़ें उनको पता थी। इंपोर्ट दुगनी हो गई, एक्सपोर्ट के नीचे चली गई। इन्होन से हमारा सवाल सिर्फ जो है कि भाई आपने कोई रोड मैप बनाया था, कोई प्लान बनाया था, कोई हिकमत अमली बनाई थी कि इस ख़राब मईशत को बेहतर करने के लिए? आप मुझे सिर्फ ये कह दें कि 1200 अरब रुपए के जो सर्कुलर डेट हैं गर्दिशी कर्जे, उनको हमने ख़त्म करने का ये एक कोई प्लान रोड मैप, कोई प्लान, ना कोई प्लान है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई हिकमत अमली नज़र आ रही है। अच्छा, ये तो आप कैसे करेंगे हवाले से ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बड़ी अहम मुलाकात आपकी बाजवा साहब से भी हुई, इमरान खान साहब के पास भी आप गए थे, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। सर, वहाँ की कोई अंदर की बात अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ कि ये तमाम वादे करके जो इमरान खान साहब आ गए, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, होगा सर ये? इमरान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, बिजनेस कमेटी जब परेशान थी तो उन्होंने मिलने का उनसे वक्त मांगा, और फिर वो नई मुल्क साहब ने जो अरेंजमेंट किया, हम टॉप के बिजनेस मैन फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गए थे, उनसे मिले, और जहाँ और बातें कहीं वहाँ हमने ये कहा उनसे, और बाजवा साहब से भी मैंने ये जिक्र किया
कि देखें इस मुल्क के साथ दो ज्यादतियाँ बहुत बड़ी थी जिसमें मुल्क को बहुत पीछे धकेल लिया था। एक भुट्टो का नेशनलाइजेशन बहुत नुकसान हुआ बिल्कुल, उसके बाद सनत लगी नहीं, नहीं लगी। और दूसरा था फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट, एटॉमिक धमाके के बाद उन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज करे, बोला या तो रुपए में दो या बॉन्ड देंगे। नहीं, उस वक्त सराज साहब थे। अच्छा, तो सरताज अजीज साहब नून लीग की हुकूमत, ठीक है, नून लीग की हुकूमत थी। तो नून लीग की हुकूमत यह था, मैंने कहा अब आपने, आपकी हुकूमत से पहले एमनेस्टी स्कीम आई है और तमाम कानूनी पहलू करके पार्लियामेंट ने उसको पास किया, उस पर लोगों ने अपने असासे जो वो बाहर ले गए थे मुल्की हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, या नेशनलाइजेशन के बाद से पैसे लोगों ने नहीं आ रहे थे, या फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट के बाद लोगों ने कहा कि अब मुल्क में नहीं है, सेफ नहीं है, बाहर रखने की एक रवायत बन गई थी, मुख्तलिफ ज़राओं से वो लेके चले आते थे, बाहर रखते थे या सरमाकारी में लगा देते थे। तो ये जो लिस्टें आजकल आ रही हैं, ये दुबई की लिस्ट आ गई, ये वो ही है जो लोग लेकर आ रहे हैं, फिर अगर उनसे तहकीकात होंगी तो दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों में। अब जब हालात बेहतर हुए हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस आया कि नहीं वो बाहर सख्तियाँ हुई हैं, बाहर पैसा लेके रखने नहीं रहा, सही है, तो लोग वापस लाना चाह रहे हैं। अब आपने ऐसे कानून बना दिए FATF के कहने के ऊपर, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के रुकाव के में, कि आप अपने पैसों को जायज़ जो लाना चाहता है उसमें भी आपने खत कर दिए कि भाई साल में $1,00,000 से ज़्यादा नहीं आ सकता। और मैंने अभी उनसे कहा, बाजवा साहब से भी ये कहा, मैंने बाजवा साहब एमनेस्टी स्कीम बिजनेस कम्युनिटी ने कही थी और डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स जिन्होंने पेनल्टी दे के अपने असासों को डिक्लेयर कर दिया तो वो रेगुलराइज हो गए। अब उसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट के सुई मौतों पे FIA लेटर लिख रही है, सोर्स ऑफ फंड पूछ रही है, तो बिजनेस कमेटी परेशान है, फेडरेशन में आके सब हमसे कहा कि भाई आप किस बात की हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैंने कहा तो बाजवा साहब ने कहा उसको तो सुप्रीम कोर्ट की भी वेटिंग हासिल थी, सही है ना? बात उन्होंने कही तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, मुझे यकीन दिलाया आपके कोई हैरान सा नहीं करेगा, आप लोग अपने बिजनेस फैलाएं, इस मुल्क को आगे लेके जाएं, ये मौका इस बात का नहीं है कि हम इस तरह के कोई एक्शन लें जिससे आपका एतमाद जो है शेकी हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने बताया कि जी ये इन ममालिक की GDP इतनी है, नेक्स्ट 10 ईयर में इनकी इतनी गुना हो जाएगी, इसकी इतनी गुना हो जाएगी, पाकिस्तान की भी वो लोग बाहर वाली जो उम्मीद पे बता रहे हैं हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सब ने मिल के अभी से करना है। तो हमने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी ने वादा किया है बाजवा साहब कि हम सपोर्ट करेंगे इमरान साहब को, हम उन्हें टाइम भी देंगे, लेकिन हमारी एक चीज़ भी नहीं हुई है। एक्सपोर्टर के 3 साल से रिफंड फंसे हुए थे, वो हर हुकूमत कहती थी 2 महीने के बाद मिल जाएंगे, 2 महीने के बाद, डार साहब ने तो वो मंत्रा चलाया था, वो खुद ही चले गए। आज भी 200 अरब रुपए के हमारे एक्सपोर्टर के रिफंड फंसे हुए हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स के नहीं मिल रहा है। सर ये तो सभी लोग इस वक्त रोना शुरू हो गए ना। अब इमरान साहब ने फिर क्या करा, बिलिंग रुकी हुई है, इमरान साहब ने फिर असद उमर साहब को बोला कि आप कराची जाओ, असद उमर कराची आए, वो फेडरेशन में हमारे साथ 3 घंटे बैठे, वो एक एक चीज़ें हमने उन्हें बताई कि सर ये देखें ये चीज़ें सही कर लें तो एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, सनतें भी लग जाएंगी। तो आपसे जो बातें हुई इन पर अमल दरामद नजर आ रहा है आपको होता हुआ? बस मसला सिर्फ यही है कि अमल दरामद नहीं नज़र आता। उन्होंने मुझसे ये कहा था 1 हफ्ते में, 8 दिन का लफ्ज़ यूज़ किया था अली, 8 दिन में मैंने अमाद साहब को कहा है जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, जो FBR में बैठते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, कि आप ये रिफंड करने के 200 अरब रुपए के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनको हम एक्सपोर्टर को दे दें। सर आपसे तो 8 दिन का कहा और अब जाहिर अमल दरामद आपको नहीं हुआ नहीं आ रहा। बड़ी अहम बात ये भी नाज़रीन के लिए कि असद उमर साहब ने ही यकीन दिलाया था कौम को कि 200 अरब जो बाहर पड़ा है स्विस बैंकों में वापस आ जाएगा, और अब उनसे जब सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि जी वो ऐसे ही गलती कह दी थी, गलती से कोई पैसा नहीं है बाहर। अब देखें ये बात मैं मानने को तैयार नहीं, स्विट्जरलैंड में सिर्फ हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे बैंक, लेकिन एक बैंक उसमें हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC जिसमें तकरीबन 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के, वहाँ से जो फिगरें रिलीज हुई हैं इंडिया का हमसे दुगना तिगना है और ममालिक का है, सिर्फ एक बैंक में जो है। ये बात हो रही थी कि जब स्विट्जरलैंड हुकूमत हमारे साथ एग्रीमेंट कर रही थी नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने 2 चीज़ें मांगी थी,
और रसाई देने के लिए इंफॉर्मेशन तक, बैंकिंग इंफॉर्मेशन देने तक। लेकिन आपके, आपको याद होगा दो चीज़ें मांगी थी, वज़ीर आज़म भी खत लिखने को तैयार नहीं थे उस ज़माने में। नहीं नहीं, वो तो किसी दूसरी चीज़ पे आप बात, मैं तो ये बात को, एक उन्होंने कहा था हमें आप मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दे दें, तरजीही दर्जा, और एक और कोई चीज़ थी, हमने मना कर दिया उनको। यानी आप कह रहे हैं कि नहीं इन्फॉर्मेशन मुझे ना दो, हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं बनाएंगे। आप इसलिए ही आपने इस चीज़ को उलझा के रखा कि आप नहीं चाहते थे, चाहते नहीं थे। उसके बाद फंड्स ट्रांसफर हो गए वहां से, खाली हो गया, आप जाके साइन कर लिया, आप साइन कर लिए माइदा सर। तो नीयतें सही नहीं रहा सर, नीयतें नीयत की बात है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपकी मुलाकात भी हुई, आपसे बातें भी हुई, और आपसे जो बातें की वो इब्तदाई तौर पे जो भी गुफ्तगू आपसे रही है, जाहिर उस पर अमल दरामद तो नजर नहीं आ रहा आपको। जी बिल्कुल नहीं। तो सर ये जो बार बार कहा जा रहा है आईएमएफ के पास आखिरी बार जाना पड़ रहा है, तो लगता है आपको वाकई किस बार, तो जिस तरह की आप खुद कह रहे हैं विल नज़र नहीं आ रही, और चाइना जा रहे हैं, अब यूएई जाएंगे, वहाँ के शायद वहाँ से कुछ पैसा मिल जाए तो हालात बेहतर हो जाए, चल पड़े। आपको क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे, मैं कॉलम सारा लिखता हूँ टी वी वगैरह पे, इकोनॉमिक्स पे बातचीत करने को मौका मिलता है, $3 अरब सऊदी अरब ने और $2 अरब या $2.5 अरब चाइना हमको सॉफ्ट डिपॉजिट दे रहा है। सॉफ्ट डिपॉजिट के माने तो उसको खर्च नहीं कर सकते, रखना है सिर्फ, ये आपके रिजर्व्स को सिर्फ स्टेबल करेंगे, क्योंकि आपके रिजर्व जब बहुत नीचे चले जाते हैं तो आपके रुपए की कदर जो होती है वो। सर तो वज़ीर आज़म ने जो खुशखबरी सुनाई बाकायदा कौम से खिताब करके कि जी बेफिक्र हो जाएं, अब 3 अरब मिल गए हम रखेंगे, 3 अरब वो रखें और बाकी डेफर्ड एलसी दी है उन्होंने, यानी आपकी जो पेमेंट आप अभी लें साल के बाद उसको उधार तेल दे, उधार दे दिया, उधार दे दिया, सही है ना। तो आपको एक साल का पीरियड जो है, ये जो PSO LC बैंक उनको जब नहीं देते तो रुक जाता था जहाज, वहाँ से चलता नहीं था, फिर भाग दौड़ के मैं PSO के बोर्ड पे भी रहता है, वहाँ पे फिर पेमेंटें होती थी, जहाज आता था यहाँ पे, तेल की सप्लाई होती, तो अब वो ये नहीं है कि अब आपको वो तेल दे दिया करेंगे, पेमेंट एक साल बाद, कर्ज जिसको कहते हैं आप उर्दू में, वो हो जाएगा। लेकिन चाइना की पॉलिसी जो है वो सरमाकारी में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चाइना ने कहा कि हम इम्पोर्ट एक्सपो लगा रहे हैं, अभी वज़ीर आज़म गए कल या आज जाएंगे नहीं मुझे मिले थे तो वो जा रहे थे दूसरे दिन, कहा कि बिजनेसमैनों को लाएं, कितने अरब की आप बोलेंगे हम खरीदेंगे आपसे, चावल खरीदेंगे, टेक्सटाइल खरीदेंगे, बेडशीटें खरीदेंगे, तौलिया खरीदेंगे, और जो चीज़ें सरप्लस हैं आपके पास, लेदर की, सर्जिकल गुड्स की, स्पोर्ट्स गुड्स की, फुटबॉल तक वो खरीदने को हम ले लेंगे, आप लेकर आइए टीम को। लेकिन चाइना ने सर आपको इमदाद तो कभी नहीं दी ना, हमेशा एक्सपो में फिर हमारा देखें एक्सपो में, मैंने बाजवा साहब से कहा, मैंने बाजवा साहब चाइना को हमने सब कुछ दे दिया, अभी तो पूरा नेगोशिएशन, उसके नतीजे में ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस जो हमने दी, 18 बिलियन एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना पाकिस्तान को, $18 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। डॉक्टर छोटा सा ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक ले लो, 2 बिलियन भी नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से गुफ्तगू आगाज़ दोबारा नाज़रीन शुरू करेंगे, छोटा सा एक ब्रेक है यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद सिंध हुकूमत की भी कारकर्दगी पर ज़रूर हम बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा लोग बातें ये भी कर रहे हैं कि शायद गवर्नर राज सिंध में लगाना पड़े, और लेकिन निसार खोड़ो साहब फरमा रहे हैं गवर्नर राज की बातों से हम डरने वाले नहीं हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, क्यों ये बात सामने आई है इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक की बात कहीं मिल जाएगा हमारे साथ ही। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद, हम बात करें जनाब, मौजूदा हुकूमत के 75 दिन हो चुके हैं और सिंध हुकूमत मुसलसल 11वां साल सिंध में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हम बात ये करते हैं कि जी कराची में बहुत इस दफ़ा तो मेहनत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन लोग यहाँ के वोट देने को तैयार क्यों नहीं होते, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे PTI किसी रहनुमा को लें और हम उनसे बात करें, ये फासले जो कम होने शुरू हैं जरदारी और शहबाज शरीफ की एक साथ पार्लियामेंट में आमद हुई है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर कि 11वां साल है आपकी पार्टी का सिंध में, अगर सिर्फ सिंध तक की हम बात करें
کارکردگی اب تک کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کسی کی میں اگر بات کروں کہ جی کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے, مردم شماری میں کم گنا گیا, اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا آپ کی پارٹی نے. 3 کروڑ کی آبادی کو 10 بسیں آج تک دیں کراچی والوں کے لیے, پبلک ٹرانسپورٹ اس میں بھی دلچسپی نہیں ہے. پورے سندھ میں تھیلی سیمیا سینٹر ایک بنایا ہے, بن سینٹر ایک بنا ہوا ہے پورے سندھ میں, چھ کروڑ سر آبادی پورے صوبے کی, ایک سینٹر بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کام کر رہی ہے؟ تو ذکر کریں کہ جو این آئی وی سی میں بات کرتا ہوں, این آئی سی وی ڈی کی جو بات کر رہے ہیں, حیدرآباد میں بنا ہے, بالکل ہے اس میں بھی سر. لیکن اب جس طرح کی بات سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں, میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک چلیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہے, ممبر ہے پنجاب اسمبلی کی, عظمہ کاردار, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عظمہ کاردار صاحب, بات ہم کر رہے ہیں کہ جی فاصلے کم ہونے لگے ہیں, زرداری شہباز شریف صاحب کی ایک ساتھ پارلیمنٹ آمد ہوئی ہے, اور پہلے تو ایک دوسرے کو کہا جاتا تھا سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اب اکٹھے ہو رہے ہیں دونوں پارٹیاں, آپ لوگوں کے لیے کیا مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ جی علی, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, میرے خیال میں یہ آل پارٹیز کو سیزن زیادہ لگ رہی ہے, کیونکہ ان کے کیا مقاصد ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپس میں ان کی جب اپنی بقا کی جب جنگ لڑنی ہوتی ہے, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے, تو ان کی سب کی جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کی میں آپ سے کیا بات کروں, ان کے تو اقتدار کی چڑیا آپ کو پتا ہے ان کے ہاتھ سے اڑ گئی ہے. اب ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اقتدار کے بغیر میں نے جدا جہی رہنا ہے. اب وہ بیچ والوں کا کردار ادا کر رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, لیکن نواز شریف ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے تو اس وقت بیل پہ وہ باہر ہیں, اور کسی بھی وقت جو ہے دوبارہ ان کو وہ نیب کا حوالات کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے. تو انہوں نے تو صاف جواب دے دیا کہ جی میں تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ جب میں اور میری بیٹی مشکل میں تھے تو انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا اومنی گروپ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, 36 ان کی فیک اکاؤنٹس میں چلا ہے, منی لانڈرنگ 35 ارب کی جو ہے وہ ان کے, یعنی اصل پریشانی جو ہے پیپلز پارٹی کو ہے, آپ کی حکومت کو نہیں ہے. ڈاکٹر مرزا افیار بیگ صاحب بھی سینئر رہنما, مرکزی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان سے پوچھ لیتے. جی ہماری حکومت الحمدللہ اس وقت بہترین جو عمران خان کی ویژن ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں ہم لوگ, اور ملک کو ایک بہت بڑے کرائسس. اچھا ٹھیک ہے, 75 دن تو ہو گئے نا آپ لوگوں کو بھی, کیا کچھ اچیو کیا ہے؟ ہم یہی بات کر رہے ہیں بیگ صاحب سے. سر کیا کہیں گے, کہہ رہی ہیں جی آپ کو ظاہر نیب کے کیسز ہیں زرداری صاحب پہ بھی, اور آلریڈی یہ تو جیل میں بھی ہیں شہباز شریف صاحب, آپ پریشانی تو آپ لوگوں کو ہے, ہم تو صحیح حکومت کر رہے ہیں اور اچھے اقدامات کیے ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ الزامات بالکل ہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس کو پروب کیا جائے, انکوائریز ہو, اور اگر کسی کوئی بھی آدمی ہو چاہے کسی سیاسی جماعت سے, بیکاز وی اسٹرانگلی بلیو کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہو اکراس دی بورڈ ہو, وہ نہ صرف کہنا چاہیے بلکہ لگنا بھی چاہیے. سر یہ ایک ساتھ جو ہوئے شہباز شریف زرداری صاحب, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جمہوریت کے حوالے سے ہے یا نیب کے کیسز آ گئے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے آپ کو, مل کے چاہتے ہیں آپ کی طرح بچ نکلیں, این آر او مانگنے جا رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, روپی کو ڈی ویلیویشن کر دیا تھرڈ سے, ایک بار نہیں کئی بار, اسٹاک ایکسچینج کا برا حال ہے, امپورٹ ویسی بڑھتی جا رہی ہے, ایکسپورٹ بڑھ کے نہیں دے رہی ہے, تو ایکسپورٹر کے جو ریفنڈس تھے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے چیخیں مار مار کے ایکسپورٹرز ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا, وہ نہیں مل کے دیے وعدوں کے مطابق, تو بزنس کمیونٹی بھی پریشان, پھر وہ ایمنسٹی کے بعد بھی وہ ہراسا کر, تو یہ اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ حکومت کیپیبل نہیں ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. کاردار صاحبہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ تو صداقت نہیں ان باتوں میں کہ مہنگائی بھی کر دی آپ لوگوں نے, گیس پیٹرول بجلی تمام چیزیں مہنگی کر دی ہیں. علی ڈاکٹر صاحب نے جو نقشہ پینٹ کیا ہے یہ وہ نقشہ ہے جس طریقے سے ہمیں لٹا پھٹا پاکستان ملا تھا, لیکن الحمدللہ اس وقت ہم نے جو اکنامک کرائسس ہے اس کو ہم نے بڑی اچھی طرح کنٹین کر لیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈالر 1.7 جو ہے وہ نیچے آیا ہے, ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 1000 پوائنٹ انڈیکس بڑا ہے, گولڈ کی قیمت کم ہوئی ہے, ہمیں IMF کے پاس جانے کی جتنی عمران خان کو تکلیف ہے نا
वो उनको उनकी वो बिल्कुल वो अंदर से वो कहते हैं कि कौम का एक ही पैसा मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे बड़ी सख्त उसकी जो है वो परेशानी और तकलीफ होती है। तो आपने देखा है कि हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट की बड़ी कामयाबी हो गई है, सऊदी अरेबिया ने हमें $3 अरब बगैर किसी कंडीशन के हमारे बैंक में उन्होंने रखवाया है, और उन्होंने 9 अरब की डिफर्ड पेमेंट हमें ऑयल की ये भी फैसिलिटी हम लोगों को दी है, और आगे इंशाल्लाह जो और खुशखबरी आपको देंगे कि जब इमरान खान चीन का दौरा करेंगे तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन्स बनाने की और जॉब क्रिएशन मार्केट बनाने की इन सब चीज़ों पे पेशरफ होगी। और आप देखेंगे कि IMF के पास हमें बहुत कम जाना पड़ेगा, शायद मेरे ख्याल में 4 या 5 अरब से ज़्यादा का नहीं हमें करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला इमरान। अच्छा, ये कामयाबी है, ठीक है, उसमें कादर साहब आप फरमा रही हैं 75 दिन में, डॉक्टर साहब ये तो फिर तस्लीम कर रहे हैं इन बातों को तो ना, आप 75 दिन में ये बड़ी कामयाबी हासिल कर ली पहले का। और उज़्मा साहब उस वक्त नहीं थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि बिल्कुल हमको टाइम देना चाहिए इमरान खान की हुकूमत को, उन्हें रीजनेबल एम्पल ऑफ टाइम दिया जाए, रातों रात नहीं होगा, इम्पेशेंस भी नहीं होने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक रोड मैप, एक प्लान कम से कम दे दिया जाए। कोई नजर नहीं आ रहा आप रोड मैप, वो हमें नहीं कुछ ना बताया जा रहा है ना दिया जा रहा है, जिससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो रही है बिजनेस कम्युनिटी में खास तौर से। ऊपर आप अगर 1200 रुपए के सर्कुलर डेट जो है गर्दिशी कर्जे उनको उतारने के लिए भी एक रोड मैप दें तो हमें पता चल जाए कि भाई इस तरीके से ये इनको इस मुश्किल से छुटकारा। तो मार्शल को टीम अच्छी नहीं है अब तक बता नहीं सके, या जिस तरह बताना चाहिए आप लोगों को, बैलेंस शीट तो आपके पास पहले से थी जब आप अपना इंतखाबी कैंपेन कर रहे थे, अब ये सब बातें बतलाते थे, तो उसके लिए आपने जब आप आएंगे तो आपको एक मार्शल प्लान तैयार करना चाहिए था, एक स्ट्रेटजी आपने तैयार करनी चाहिए थी जो आप लोगों को दें, और उस पर अमल नजर आए। स्ट्रेटजी नहीं है उसमें कारदार साहब, वो कह रहे हैं कि रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है आप लोगों की। देखें स्ट्रेटजी इनको नजर नहीं आ रही है, वरना पूरी दुनिया के जो सामने वो स्ट्रेटजी आ चुकी है। नंबर 1 ऑस्टेरिटी प्राइस, और उसमें सबसे पहले इमरान खान ने अपने से शुरू किया, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर जो थे वो 2013 में 19% थे हमारे GDP के, और उसके बाद 2018 में ये 22% हो गए, पहले तो वहाँ पे कट सारा हुआ, फिर उसके बाद हमारी जो इम्पोर्ट थी जिसकी वजह से हमको इतना फॉरेन रिजर्व हमारे बिल्कुल इतने लो हो गए थे, वो सारी इम्पोर्ट जो हैं उनको स्लैश डाउन किया है, उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो हैं उनको फरोग और उनको ज़्यादा। अच्छा, आम आदमी को फायदा कब पहुंचना शुरू होगा, जिनके लिए आटा 2 रुपए किलो महंगा कर दिया आप लोगों ने, चीनी महंगी हो गई है, रोटी जो है रोटी महंगी हो गई है, 2 रुपए महंगी हो गई है। बिलावल भुट्टो सब कह रहे हैं जी 10 रुपए की रोटी, 15 का नान, ये नया पाकिस्तान। जी आम आदमी की मैं बात बताती चलूँ कि ना तो पेट्रोल हमने कीमतें बढ़ाई हैं, बिजली की जो कीमतें हैं वो जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो लोग वहाँ उनसे कोई हमने नहीं बढ़ावा किया। गैस की कीमतें बढ़ा दी आपने 143%। 5 की एडवाइस दी थी, सिर्फ 1.27 जो है वो अपर स्लैब में पड़ा है। इसके बरक्स गैस हमने किसानों के लिए हमने 50% स्लैश डाउन कर दी है, हमने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है 1400 रुपये यूनिट जो थे वो 600 रुपये यूनिट बाकी प्रोविंसेस के मुताबिक। देखिए डॉलर बढ़ने से उसमें साहब डॉलर बढ़ने से एक रात में इजाफा हो गया कर्जे में, कम आ गया कि आप अब मार्केट में देखें इस तरह $130 आ गया वापस, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले महीने के अंदर अंदर ये 120 पे आ जाएगा, क्योंकि अच्छा, जिस तरह इकदाम हो रहे डॉक्टर साहब लगता है आपको डॉलर इतना नीचे आ जाएगा 120 तक? देखिए डॉलर की कदर का ताल्लुक है आपके फॉरेन रिजर्व से, जो 3 अरब डॉलर हमें दिए गए हैं या चाइना से 2 या 2.5 अरब की बातचीत हो रही है पहले से, वो सॉफ्ट डिपॉजिट कहलाता है टू स्टेबलाइज योर फॉरेन रिजर्व्स, ताकि आपके वो रिजर्व न गिरे, क्योंकि रिजर्व गिरते ही रुपए जो होता है वो टूट जाता है, उसकी कदर गिर जाती है। तो ये दोस्तों की मेहरबानी एहसान है कि उन्होंने हमें एक सपोर्ट लेवल दिया है, लेकिन ये हमारी ना इनकम है ना इसे हम खर्च कर सकते हैं। तो कामयाबी इसे गर्दाने ना गर्दाने सर क्या कहें, कामयाबी है या नहीं है ये? देखिए मेहनत तो कर रहे हैं, अब इन्होंने दोस्त ममालिक से जो डॉलर ले रहे हैं ये दोस्त ममालिक भी नई हुकूमत को हेल्प करना चाहते हैं,
बिजनेस कम्युनिटी भी इनको हेल्प करना चाहती है. हम नहीं चाहते इम्पेशेंट हो के हम हड़तालें करें या शटर डाउन करें. हम आज भी कहते हैं कि नहीं, हमारी पूरी सपोर्ट है, वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं. जो टैक्सेस हम पे बढ़ाए गए हैं, जो गैस बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, वो हम सब दे ही रहे हैं ना. अच्छा, कारगर्दगी तो उसमें साहब अब ये भी है ना कि आप चीफ जस्टिस साहब का बयान भी मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि जी कैपिके में तो सिंध से भी बुरे हालात हैं. सेहत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. कम हुआ है आम आदमी के लिए, कमर्शियल जो है वो 1200 रुपए कम हुआ है सिलेंडर एलपीजी. तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्यों नहीं नज़र आ रही हैं. और हमने इस वक्त बिल्कुल पेट्रोल की कोई कीमत नहीं बढ़ाई है और गैस के भी जो जो 250 जो जिस बंदे का बिल है जो 60 MMS वो सिर्फ 25 रुपये बढ़ा है, वरना चौथा स्लैब है उसमें बढ़ा है. और किसानों के लिए और हमारी जो यूरिया जी महंगा हो गया है, यूरिया तो कर महंगा किया, यूरिया महंगी हुई है, एब्सॉर्बेंटली वो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं जिससे किसान के लिए क्या किया आपने, किसान के लिए कमर टूट गई है. किसानों के लिए भी हमने 50% उनके जो बिजली का जो रेट है 50% उनके लिए कम कर दिया है. अब उनकी जो मशीनरी जो उन्होंने इस्तेमाल करनी है वो कम कर, वो ट्यूबवेल के रेट है लेकिन सीड्स के पैसे, बीजे, खादें, यूरिया तो महंगी है, ये सब चीजें महंगी हुई हैं. एनर्जी का, एनर्जी की जो बिजली की जो कीमतें थी उन्होंने किसान बेचारे की कमर जो थी वो तोड़ी हुई थी, वो बिल्कुल जब स्लैश डाउन हो गई है तो अब वो आराम से अपनी जो है वो हल ट्रैक्टर बिजली हर चीज जो है वो अपनी किसान जो है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उस्मान कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ और बात करके जनाब अफजाई 75 दिन ही हुए हैं और हमने ये कारहाए नुमाया सर अंजाम दे दिए हैं. जितने भी चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं बाहर हकायक तो ये हैं कि फ़िलहाल आम आदमी तक तो नहीं पहुँचे जितनी भी फ़वाद और बरक़ात बताने की कोशिश वो कर रही थी. लेकिन इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर बात बीच में रहेगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और का तीसरा दौर इकतदार सिंध में है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद जनाब. प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे सिंध हुकूमत की और तीसरा दौरे इकतदार है. कराची के लिए बड़ा एहसान उनका कि 10% दी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पूरे सिंध में एक बर्न सेंटर है, कोई जल जाए पूरे सिंध में तो कराची लाया जाता है सिविल हॉस्पिटल. इसी तरह थैलीसीमिया सेंटर 2012 में कहे थे 8 बनाएंगे, एक भी नहीं बना सके. सर कराची में 30 बड़े मनशियात के अड्डे हैं मिर्जा साहब, और सबसे बड़ा जो अड्डा है चनेसर गोट का, जहाँ का एमपी आपके सईद गनी साहब हैं, उनके भाई का नाम आता है. गुटका माफिया में बड़ा नाम है आपके, एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो बहाना करोड़ों रुपये उससे कमा रहे हैं. आपके एक एमपी मुसलसल 11वां साल है, मुसलमानों को बिलखसूस बच्चों को शराब बेच के अरबों रुपया वो भी कमा रहे हैं. सर सिंध में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये जो चीज़ें गुटका या शराब ये पूरे पाकिस्तान में नाजायज़ बिकती है, आपको भी पता है मुझे भी पता सर, है. आपके अपने जो गलत है, काम कर रहे जो गलत है, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों बता दे रहे हैं. लेकिन स्टार्ट की मजबूत बातों से बात काम करते हैं. जब नई हुकूमत आई थी तो इलेक्शन कम्पेन में हमारे हल्के यानी 247 में उनसे बिलावल साहब से बात किया कि मैनिफेस्टो में डिसलिनेशन प्लान की बात की थी कराची में, डिफेंस क्रिप्टन में ख़ास तौर से लोगों को पानी नहीं है और टैंकर माफिया ने अब 7,000 और 8,000 रुपये पे टैंकर पर चले गए. आपको पहले तो इस सुनकर खुशी होगी कि हमने डिसलेशन प्लांट क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर बैक अरेंजमेंट के साथ फाइनल कर लिया है और इट वी आर गोइंग हेड. उसकी ड्राइंग्स, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये वो सब बन गई. सर लियारी से हार गए थे आपके चेयरमैन पानी न देने पर, वहाँ भी बेरोजगारी है, पानी उनको आज भी तरस रहे हैं. अब वहाँ इसलिए उनका मसले हल नहीं कर रहे आप लोग? नहीं पानी तो पहले वैसे हल नहीं किए कि हमारा गढ़ हम जीत जाएंगे, पानी हल नहीं कर रहे कि जी हमें वोट नहीं दिया जा रही. पूरे मुल्क का मसला है. हमारे जो फ्लाईओवर्स हम बना रहे हैं, जो अंडरग्राउंड बना रहे हैं, सबमरीन चौक के ऊपर बनाया है, पंजाब तारी रोड बनाई है, बनाया है ये आपके 60 करोड़ आप खुद सोचे आप ये इतना खाएंगे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर की हमने चेने बनाई हैं और अब सईद गनी साहब पर्सनली
जो सिटी गवर्नमेंट देख रहे हैं वो एक एक डिपार्टमेंट खुद जाके। सईद गनी साहब को जो मैंने बताया आपको, पुलिस की रिपोर्ट है 30 बड़े मनशात कटे, सबसे बड़ा मनशात कटे चनेसरकोट में जहाँ रिहाइश है आपके सईद गनी साहब की, उनके भाई का नाम आता है कि वो चला रहे हैं, सर उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? चिराग तले अंधेरा। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके भाई वो खुद यूसी वगैरह के कोई अहदेदार हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर है किसी एक को है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको बार 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 दोहराई जा रही है। बतलाएं मैं अहले इलाका खुद ही कंप्लेन कर चुके हैं 10 बार। देखिए इस तरह गुटके के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अरसा दराज से एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आपके कराची के, वो चला रहे हैं, सबको पता है, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। कहा जाता है कि जी अद्दी को करोड़ों रुपया पहुँचाए जा रहे हैं, इसलिए खामोशी आती है। ये सब बातें तो देखें आप, इस तरह की बेबुनियाद वाली बातें हैं। तो कार्रवाई कर लेना, ये मुल्क कौम सर देखें, ये नौजवान नस्ल को तबाह नहीं किया जा रहा। नहीं बिल्कुल, मैं तो ये गुटके के जरिए इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो गुटका हो चाहे वो आप जो पढ़े लोग। मैं आपकी जाती हैसियत बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे मालूम है सर असूली नजरियाती आदमी, लेकिन आपकी पार्टी के लोग जिन हाथों में आपकी पार्टी कहां से कहां चली गई है, कम से कम ये पार्टी तो नहीं थी ना। वो पूरी कोशिश की है कि वो अच्छे लोगों को, काम करने वालों को आगे लाएं। और सिंध में आपके सामने हर साल सैकड़ों बच्चे वबाई अमराज गजाई किल्लत से मर जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, हॉस्पिटल तक पहुंचे तो डॉक्टर नहीं होता, और डॉक्टर हो तो दवाई नहीं होती। देखिए आपको मैं अगर तफसील से बतलाऊँ कि सीरियस एफर्ट्स प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे सिंध में लगाए जा रहे हैं, उसमें वो तमाम मंसूबे जो तरजीह बुनियाद पे कंप्लीट करने का, वो बिलावल साहब डायरेक्टली देख रहे हैं और हर मीटिंग में उसका रिव्यू होता है। सही में यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। यकीनन दिली नज़र क्यों नहीं आ रही? यकीनन यकीनन टीम आपके पास भी नहीं है, पीटीआई की तरह वसाइल है। फिर हमारी जो MQM की सिटी गवर्नमेंट है उनके साथ आपको पता है कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। मेयर की तो इसलिए बात नहीं कर रहा, वो तो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, सारे बड़े कमाऊ पूत महकमे रख लिए, बल्दियात में चले गए या सिंध हुकूमत में चले गए। सर 11वां साल है आपकी हुकूमत का मुसलसल हुकूमत करते हुए, 1500 अरब रुपया कहाँ लग गया? जब भी कोई पूछा जाता है असेंबली में खड़े होकर तो आपके बुजुर्ग जवाब आप जो कह रहे हैं वो तो 90 अरब लगाया ना। अब 90 अरब कितने सालों का है? 8 सालों में अगर लिया है तो आप तो सर वो नजर तो आए कहीं 10 अरब 8 अरब रुपए सालाना में सालाना मजार बनाने के अलावा बताएं आवाम के लिए क्या किया? टोटल बात करते हैं ना जैसे 80, तो भाई 10 साल का अगर है तो सालाना कितना बन रहा है? तो लड़काना है कितना बड़ा शहर सर? 90 अरब तो आपने कराची में नहीं लगाए, मेगा सिटी है, 90 अरब छोटे से डिस्ट्रिक्ट पे लगा दिए, कहाँ लगाए? क्या वहाँ यूनिवर्सिटी बनी? नहीं बनी। कोई बड़ा हॉस्पिटल बना? नहीं बना। शाहराओं का जाल बिछा दिया आपने? नहीं। तो कहाँ लगा दिए? नहीं देखिए ऐसी जिस बात पर नहीं कहना पड़ा आप, एक जज साहब को डिस्ट्रिक्ट के कि जी 10 घर या 40 घर की उन्होंने मिसाल दी थी, मैं दोहराना चाहता कि वो भी छोड़ देती हैं, उन्होंने आपने तो वो भी नहीं किया। नहीं नहीं ये बात मैं समझता हूँ ज्यादती है कि बगैर ये बात ज्यादती है, आप लोगों की हुकूमत की ज्यादती है। 11वां साल पीने का साफ पानी नहीं दे सके, 90% पूरे सिंध में आज भी फुजला मिला पानी है दस्तयाब। सर ये बिना दूर की बात जिससे सर नहाया भी नहीं जा सकता। सिंध ने वोट दिया है ना, ये सब बातों के बावजूद क्यों नहीं वोट देता? इसका मतलब जहाँ भी पढ़ा लिखा तबका होगा बाशौर लोग ज्यादा होंगे सर, वो तो हार ही है ना। सारे बेचारे तो हार ही है, कमी है, शौर नहीं है, वोट देंगे आपको? कराची में क्यों नहीं दे रहे सर? MQM टूट गई थी, टुकड़ों में बढ़ गई थी, पीटीआई को वोट दे दिया उन्होंने, तो एक उन्होंने सही है ना। और पीपुल्स पार्टी सिंध में जो मैसिव मेजोरिटी से अगर आई है, ये सब चीजें अगर वहाँ पे हैं पीपुल्स पार्टी वाले कराची में वोट दिया आपकी पार्टी के, यहाँ तो धांधली होगी सिंध में ध्यान देनी हुई, ये कौन सी लॉजिक है सर? नहीं देखें हमने इलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़ुज़ात सबूत के साथ पेश किए, यूरोपियन यूनियन कमीशन ने भी उन बातों को अयदा किया, अखबार में हेडलाइनें अभी चंद दिनों पहले आई थी कि जाते डॉक्टर साहब 11 साल आपकी हुकूमत का जहाँ हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया है पीटीआई को, आपका तो 11वां साल है, उनको तो 75 दिन हुए, आप क्या कहेंगे आवाम से? कोई खुशखबरी आप भी 2000 सुनाते चले जाएँ, क्योंकि खान साहब जिस तरह उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि 3 अरब रुपया आ गया है जनाब, 3 अरब डॉलर और बैंक में रख दिया गया, स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप भी कुछ बता दें, आपकी गवर्नमेंट कोई बड़ा काम करने जा रही है जी? पहली चीज़ तो यह है कि इम्पोर्ट एक्सपो जो इन्होंने शुरू की है चाइना ने, उसमें बहुत बड़े ऑर्डर मुतवक्के हैं, और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट हमारी कर रही थी उसको एक बूस्ट मिलेगा। फिर UAE गवर्नमेंट ने भी अपना ऑयल सिटी में यानी ग्वादर में रिफाइनरी और सऊदीया ने वादा किया है,
कि उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके डेलीगेशन आके उससे बेहतर है कि आखिरी 10 सेकंड यूई भी हमें मदद देगा, चाइना भी हमें मदद देगा। एक छोटा सा सवाल आपसे जिम्नी करना चाहूंगा, जरदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा है नैप का शिकंजा बिल्कुल कस दिया गया है, जेल चले जाएंगे, उनके जेल जाने से आपकी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए जेल जाना सर फायदा या सजा भुगतना या कोर्टों में नहीं, चीज नहीं है, फखर की बात है। हम जाते हैं और हमें बेगुनाह साबित जरदारी साहब ने अपने आप को कराया, अब भी हम फेस करेंगे ट्रायल, फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे बात कर रहे थे खासतौर पर कि जनाब किस तरह हो सकता है नई हुकूमत आई है 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियां और सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी भी तफसीली बात हुई। फिर प्रोग्राम इंशाल्लाह डॉक्टर को मजीद अहमद देंगे, बहुत सारी बातें रह भी गई हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर मेरी टीम को दी इजाज़त, मौलाना के बाद।